कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जूं जूं ईद उल फितर करीब आ रही है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी बढ़ी हैं और आज चांद रात है। आज के दिन भी और रात में भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का बेहद ख़तरा है, लेकिन कराची के आवाम का कहना यह है कि बहुत सारे लोग ईद मनाने जो अंदरून मुल्क से आते हैं वो वापस अपने गांव और अपने घरों को जा चुके हैं, तो इसलिए उनका कहना यह है कराची की आवाम का कि अब स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में थोड़ी सी कमी देखने में आएगी। ये देखें, ये दो डाकू हैं, ये PIB कॉलोनी के इलाके में मकान नंबर 532 के सामने गुज़िश्ता रोज़ की ये वीडियो है और उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई है PIB थाने में, और ये मुद्दई इसमें है नासिर इब्राहिम वल्द इब्राहिम अब्दुल्ला। इनकी नई मोटरसाइकिल होंडा 125 नंबर है उसका KPC 0880, ये जो है वो ले गए। ये देखें, अब ये दोनों आए हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ पर गाड़ी खड़ी है। ये पहले गाड़ी को देख लेते हैं, उसे ताड़ लेते हैं अपने हदफ़ को, और अपने हदफ़ को जो है ये पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं। देखें अभी ऐसे खड़े हैं, जिस तरह से जो है वो ये एक टोपी लगाई हुई है वाइट कलर की, एक मुलज़िम ने, ये डाकू हैं और इन्होंने किस तरह से मौज़ब और जो है वो मौज़ज़ीन बन के घूम रहे हैं, जिस तरह से ये रोज़े में है। ये PIB कॉलोनी, ये देखें ये उतरा है, ये डाकू है, इसने देखें कितनी तेज़ी से इसका लॉक तोड़ेगा ये। ये देखें, ये इसने निकाला, ये मारा और ये लॉक खुल गया, और ये लॉक इसका खुल गया। 125 गाड़ी है ये, मकान नंबर 532 PIB कॉलोनी के इलाके में, और जब लॉक खुल गया तो अब ये इसको ले जाएगा आराम के साथ। ये दो घूम रहे थे, अब ये एक एक होंगे। इन ये गाड़ी ले गए, ये 125 नए मॉडल की है, ये होंडा 125, और ये ले जाने में ये कामयाब हो गया। अच्छा मैं बताऊं कि PIB कॉलोनी के इलाके में जो वारदातें अक्सर निश्तर बस्ती और गोहराबाद और ये जो सारे पूरे पीछे के इलाके हैं वहाँ से लोग आते हैं और वारदातें करते हैं। वारदातें ये देखें, इनके चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं। PIB पुलिस को भी चाहिए और दीगर इदारों को भी चाहिए कि इनको पकड़ें कम अज़ कम। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो साहब को चाहिए कि इस पर DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर साहब को हिदायत दें कि ये डाकू जिनके चेहरे साफ नज़र आते हैं, कम अज़ कम ईस्ट पुलिस उन्हें तो पकड़ ले और उन्हें पकड़ने में कामयाब हो। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।